मज़ा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। Fica de quatro, nós bota sem. Patria, pula, 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 pica na pica sem dó. Pocotó, pocotó. हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से अपनी फ्री फायर गेम के अंदर अनलिमिटेड कॉइन्स को, अनलिमिटेड डायमंड्स को हैक कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग मेरी गेम के अंदर देख पा रहे होंगे, मेरे पास अनलिमिटेड कॉइन है और अनलिमिटेड डायमंड है। तो यहाँ पर एकदम ये रियल डायमंड है और रियल कॉइन्स है, तो मैं आपको हर एक चीज़ बताऊँगा कि आपको किस तरीके से गेट करना है। पूरी वीडियो को देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस गेम को डाउनलोड करने का, लेकिन वहाँ पर एक पासवर्ड एडजस्ट कर रखा है मैंने, तो वो पासवर्ड डालने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी, उसी के अंदर आपको कहीं ना कहीं पासवर्ड मिल जाएगा। तो आप पूरी वीडियो देखिए और आप लोग इस तरीके से अपनी गेम के अंदर अनलिमिटेड कॉइन्स को ऐड कर पाएंगे और डायमंड्स की, और एकदम रियल डायमंड होंगे, आप इसे कुछ भी परचेज कर सकते हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से इसे परचेज करना है। तो एक बार मैं आपको यहाँ पर एक गेम प्ले करके दिखाता हूँ, जिससे कि आप लोगों को पता लग जाए कि जो हैक एकदम वर्क कर रहा है। और इसी के साथ साथ आपको बहुत सारे हैक्स मिल जाएंगे, ये सब हैक मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर क्लिक करके आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं डायमंड हैक हो चुका है, गोल्ड हैक हो चुका है। अगर आपके पास कभी एरर आती है कि आपके पास इनसफिशिएंट डायमंड है, तो आप लोग इसको ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपका ये फिक्स हो जाएगा और आप लोग यहाँ पर कुछ भी परचेस कर सकते हो। और यहाँ पर आप लोग एम स्कोप भी ऑन कर दीजिए, एम बॉट और एम डाउन, ये सब आप ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपको आसानी होगी किल करने में। और ये सब आप लोग इसको यहाँ पर फुल कर सकते हो, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पर मैं इसे ऑन कर देता हूँ, जो हमारी गेम एकदम आप स्टार्ट हो चुकी है, और एकदम रियल सर्वर है, यहाँ पर कोई भी प्राइवेट सर्वर नहीं है। तो आप लोग कहीं पे भी गेस्ट लॉगिन कर सकते हो, एज अ गेस्ट और एज अ गूगल प्ले आप गेम्स के साथ यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो। तो यार काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, आप लोग इसको एक बार ट्राई करके देखना। और यहाँ पर आप लोग अपने नॉर्मल फ्रेंड के साथ भी खेल सकते हो, मतलब कि जिनके पास एक हैक वर्जन नहीं है, जिनके पास नॉर्मल वर्जन है आप उनके सामने भी खेल सकते हो, जिनको आप दिखा सकते हो कि भाई मेरे देख मेरे पास हैक वर्जन है। तो यहाँ पर अगर मैं लाइन ऑन कर दूँगा तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर मेरे को पता लग रहा है कौन सा बंदा कहाँ पर है। आप लोग भी इस तरीके से इन हैक को अनेबल कर सकते हो अपनी गेम के अंदर। तो यहाँ पर एक बार मैं अब एक मैच को प्ले करके दिखाता हूँ, वैसे कि मेरे को पूरा मैच खेलना नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा मैच प्ले करके, जिससे कि आपको यकीन हो जाए कि ये सारे हैक हैं जो वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा मैच स्टार्ट हो चुका है एकदम रियल सर्वर में। पूरी वीडियो देखना, मैं आपको बताऊंगा ये कैसे डाउनलोड करना है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब में आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में जो सर्वर है वो सब काम वाम नहीं करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरे इस पे लाइन आ रही है, मतलब मेरे प्लेयर पर, और आप इसी तरीके से और प्लेयर पर भी लाइन देख पाएंगे। तो यहाँ पर एक बार मैं नीचे चला जाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं नीचे चला जाता हूँ। मैंने आज से पहले एक फ्री फायर खेली नहीं है, बट फिर भी आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। और जब भी आपके पास आसपास कोई भी प्लेयर हो गया, फिर आपको दूर से प्लेयर को देखना होगा, जो ये लाइन मेरे प्लेयर के ऊपर आ रही है वो सभी प्लेयर के ऊपर आ रही होगी। तो आप लोग इस तरीके से पता लगा सकते हैं कौन सा प्लेयर कहाँ पर है, तो आप लोग यहाँ पर इसको डायरेक्ट हंट कर सकते हो। तो आप लोग इस पर यार मैं आपको बताता हूँ आप किस तरीके से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया, आप लोग सीधा उस पर चले जाइए। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आना, आपको अपना कोई भी क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद जो मैंने लिंक आपको दिया, आप लोग उसको पेस्ट कर सकते हो डायरेक्ट, या फिर आप लोग उसको यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो। तो एक बार मैं फ्री फायर एप्लीकेशन को यहाँ से हटा देता हूँ। हटाने के बाद यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने क्रोम ब्राउज़र में, और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, और वो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो पेस्ट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है डायमंड एंड ए बॉन्ड का, यहाँ पर एक फ्री फायर आ चुका है 89 MB की एप्लीकेशन। आप लोग इसे डाउनलोड कर लेना। तो जैसे आप लोग इसे डाउनलोड कर लेंगे, आप लोग के पास ये डाउनलोड्स में आ जाएगा, तो मैं आपको चला के दिखाता हूँ। और उससे पहले आपको जितनी भी जो आपकी पुरानी फ्री फायर एप्लीकेशन होगी, आपको उसे डिलीट करना होगा। आप लोग उसे डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने से पहले आपको फाइल मैनेजर में जाना है। फाइल मैनेजर में जाने के बाद आप लोग यहाँ पर एंड्रॉइड पर जाइए। ओबीबी में जाने के बाद आपको वहाँ पर उसका रीनेम कर देना है। मैं आपको सब कुछ करके दिखाऊंगा। आपको फ़ोन पे क्लिक करना है। फोन पे क्लिक करने के बाद आप लोग स्क्रॉल ऑन करिए, यहाँ पर एंड्रॉइड पे क्लिक करिए, ओबीबी पे क्लिक करिए, और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे com.tts.freefire.ts। तो यहाँ पर आपको उसको रीनेम करना है। यहाँ पर आप इसे प्रेस करके रखेंगे, और यहाँ पर थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे रीनेम करना है। रीनेम यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं 1, 2 और ओके कर देना। तो यहाँ पर ऑलरेडी यूज़ है तो आप 1, 4 कर दीजिए। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको रीनेम कर सकते हैं। तो जैसे कैसे ये रीनेम हो जाएगा, तो आप अपनी जो पुरानी फ्री फायर एप्लीकेशन होगी आप उसे अनइंस्टॉल कर देना। तो जैसे आप लोग उसे अनइंस्टॉल कर लोगे, बारी है कि हमारी जो नई फ्री फायर है उसे किस तरीके से डाउनलोड करना है। जो आपने रीनेम करा था आपको उसको वापस से दोबारा रीनेम करना है, यहाँ पर क्लिक करिए। डिलीट करने के बाद आपको दोबारा रीनेम करना है। आपको जो 1, 4 लिखा था आपको 1, 4 हटा देना है और फिर डन कर देना है। तो आपका जिससे कि इससे क्या होगा, जो आपका 600 MB की OBB होती है वो बच जाएगी। तो यहाँ पर हमने उसको बचा लिया। और जो अभी हमने डाउनलोड करा है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको अपने फाइल मैनेजर में आना है, और यहाँ पर आपको डाउनलोड वाला सेक्शन को ऑन करना है। तो यहाँ पर मैं डाउनलोड वाले सेक्शन पर चला जाता हूँ। डाउनलोड वाले सेक्शन पर जाने के बाद आपको यहाँ पर उसे सर्च करना होगा, डायमंड एंड एम बॉट हैक को। तो यहाँ पर मैं उसको एक बार सर्च कर लेता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है डायमंड एंड एम बॉट हैक बाय बी लैक गेमिंग। तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है। तो आप लोग जैसे ही इस जी फाइल पर क्लिक करेंगे, आप लोग के सामने इस तरह का इंटरफेस होगा, तो आपको यहाँ पर दोबारा इस पर क्लिक करना है।
तो आप लोग जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना, तो यहाँ पर मैं आप पासवर्ड डाल देंगे तो जो आपकी फ्री फायर एप्लीकेशन है वो आपके सामने आ जाएगी, जो एकदम हैक वर्जन है। आप लोग फिर उन सबको ऑन कर सकते हो। एक बार मैं आपको एक बार यहाँ पर इसको पूरा 100% ऑन करके दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको यकीन हो जाए कि एकदम रियल एप्लीकेशन मैं आपको दे रहा हूँ, एकदम हैक वाली, जिससे कि आप लोग इसको इजीली डाउनलोड कर लें। तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर 100% लोड होने के बाद आप लोगों के सामने आ चुका है फ्री फायर एप्लीकेशन। तो इसको मैंने डाउनलोड कर रहा था आप लोगों के सामने, अभी मैं उसको प्ले ही कर रहा था। तो यहाँ पर मैं दोबारा फ्री फायर एप्लीकेशन को ऑन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आप लोग किस तरीके से इन सबको ऑन कर सकते हो, और मैं आपको अभी परचेज करके भी दिखाऊंगा। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है हेलो मोड मेनू। तो यहाँ पर आपको इसको ओपन पे क्लिक करना है। आप जैसे यहाँ पर ओपन पे क्लिक करेंगे आप लोग चले जाएंगे यूट्यूब पर, तो आपको यहाँ पर यूट्यूब वाले बैक कर देना है। बैक करने के बाद आप लोग वापस से अपनी गेम के अंदर आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हम आ चुके हैं अपनी गेम के अंदर वापस से, और जो आपकी जो फ्री फायर है एकदम रियल वर्क करने लग जाएगी। तो यहाँ पर हम थोड़ा वेट करते हैं इस गेम को ऑन होने का। एक बार बैक होएगा तो आपको दोबारा ऑन करना है, क्योंकि जो हैक वर्जन होता है उसमें एक बार एरर आती है अगर आप फर्स्ट टाइम गेम को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आपको सेम ओपन पे क्लिक करना है, वेट करना है, और फिर जैसे यूट्यूब ओपन हो जाएगा तो आप इसको बैक कर दीजिए। बैक करने के बाद आपको वापस से फ्री फायर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन कर लीजिए और आप लोग देख सकते हैं जो हमारी फ्री फायर एप्लीकेशन एकदम वर्क करना शुरू हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिख के आ चुका है फ्री फायर। तो यहाँ पर हमें थोड़ा वेट करना होगा और ये हमारी गेम लोड हो रही है। लोड होने के बाद जो एकदम रियल वर्क हो जाएगा और एकदम आप लोग अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पर इसे प्ले कर पाएंगे। अगर आपको इसी तरीके के और भी हैक चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए और भी हैक यहाँ पर ले आऊँगा। तो मैंने यहाँ पर एज अ गेस्ट को लॉग इन कर रखा था यहाँ पर।